राज ठाकरे ईडीच्या फेऱ्यात अडकलेले आहेत. राज ईडीच्या ऑफिसमध्ये जाणार आहेत. थोड्याच वेळात राज ठाकरे घरातून निघतील. 11 वाजता राज यांची ईडीकडून चौकशी होणार आहे. राज ठाकरेंच्या घराबाहेर कडकोट बंदोबस्त देखील ठेवण्यात आलेला आहे. खबरदारी म्हणून मनसैनिकांची धरपकडही करण्यात आलेली आहे. अधिक माहिती घेऊयात आमचे प्रतिनिधी अब्बास अहसान यांच्याकडून. कृष्णकुंज या निवासस्थानी राज ठाकरेंच्या निवासस्थानाशी आहेत ते. अब्बास, काय आत्ताची परिस्थिती आहे तिथली? देखिए, राज ठाकरे की कार इस वक्त लग गई है गेट पर. राज ठाकरे किसी भी वक्त अपनी कार में बैठकर ईडी के दफ्तर जो दक्षिण मुंबई में स्थित है वहां जा सकते हैं. राज ठाकरे की कोहिनूर मिल की नीलामी मामले में जो है आज पेशी है 11 बजे ईडी में. ईडी अफसरों के सामने पेश होने का वक्त उन्हें दिया गया है. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के बेटे उन्मेश जोशी की ऑलरेडी चौकशी का जारी है और आज राज ठाकरे की 11 बजे ईडी के सामने पेशी है. ऐसा घराबाहेर आता नेमक कसं वातावरण है? देखिए, मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे के दादर के कृष्णकुंज निवास पर तगड़ा पुलिस बंदोबस्त लगा रखा है. इसके अलावा मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर मुंबई पुलिस का जगह जगह पहरा बना हुआ है. प्रिकॉशनरी तौर पर मुंबई पुलिस ने एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारियां उनको हिरासत में लेना शुरू कर दिया है, जिसमें कई जो उनके बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है. और मुंबई पुलिस बिल्कुल चौकस है. बीएसपी ने भी अपनी तैयारियां करके किसी तरह की कोई भी अनहोनी ना हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है. राज ठाकरे की गाड़ी फिर से एक बार बता दूं कि उनके कृष्णकुंज निवास के बाहर गेट पर लग गई है और किसी भी वक्त राज ठाकरे अपनी कार में सवार होकर ईडी के दफ्तर की ओर रवाना हो सकते हैं. नक्कीच, धन्यवाद अहसान आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीबद्दल. तर राज ठाकरेंच्या घराबाहेर आता कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून मनसैनिकांची धरपकडही करण्यात आलेली आहे.